हेलो, मैं डॉक्टर अंजलि। तो चलिए आज इस वीडियो में हम चिकन पॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता। तो ये बड़ी माता क्या थी जो पहले काफ़ी ज़्यादा होता था? बड़ी माता स्मॉल पॉक्स को कहते थे, जो कि अब इरेडिकेट हो चुका है, जो कि इंडिया से अब ख़त्म हो चुका है। तो चिकन पॉक्स क्या है, ये कैसे होता है? सबसे पहले वायरस की वजह से होता है, वेरिसेला जोस्टर, जो कि ये इन्फेक्शन को फैलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किसी को चिकन पॉक्स हो गया है। तो हम सबसे पहले, ये बच्चों में होता है और बड़ों में भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है तो आप कैसे पहचानेंगे? तो चलिए इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स जो होते हैं इसमें, कि इसमें दो स्टेजेस होते हैं। प्रोड्रोमल स्टेज होता है, एक एग्जेंथम स्टेज होता है। प्रोड्रोमल जो स्टेज होता है, उसका मतलब है कि बच्चे को बुखार आएगा, नाक से पानी आएगा, बच्चे को थकान महसूस होगी, और उसके कुछ दिन, एक दो दिन बाद बच्चे को रैशेज होने लगेंगे, जिसको हम एग्जेंथम फेज कहते हैं। तो ये रैशेज कैसे होते हैं? क्योंकि अलग अलग रैशेज जो हो रहे हैं, जो दाने होते हैं शरीर में लाल कलर के, वो तो बहुत सी वजहों से हो सकते हैं। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसके जो दाने होते हैं, ये सबसे पहले आपकी ट्रंक, मतलब हाथ पैरों में आएंगे बच्चे के, फिर फेस पे आएगा, फिर स्कैल्प, जो सर का हिस्सा है, उस पर भी आएगा। उसके बाद बच्चे के हैंड, जो सोल है, हैंड है, पाम सोल जो होते हैं, मतलब हथेलियों में भी आएगा बच्चे को। इसमें ओरल म्यूकोजा, मतलब मुंह के अंदर, जेनाइटल एरिया में, कहीं पे भी ये दाने हो सकते हैं। देखने में कैसे होंगे? ये रेड कलर के फ्लैट होते हैं, पहले छोटा सा एकदम दाना होगा, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पहाड़ जैसा थोड़ा सा रेज हो जाएगा। तो पहले मैक्यूल बनेगा, जो फ्लैट वाला रेड कलर का रैश होता है, उसके बाद पैप्यूल बनता है, जो कि पहाड़ जैसा, जिसमें दिखती है स्वेलिंग। उसके बाद उसमें पानी भर जाएगा, जिसे हम वेसिकल्स कहते हैं। पानी भर जाना कैसे पहचानेंगे आप? जैसे कभी बारिश में आपने गुलाब की पंखुड़ियों पे पानी की बूंदें देखी होंगी, तो उसको हम वैसे डिस्क्राइब करते हैं कि ये वैसा ही दिखता है। इसके बाद वो इरप्ट हो जाएगा, मतलब वो सूखने लगेगा, और उसके बाद उसमें ब्लैक कलर का स्कब फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस में, इन दानों में काफ़ी ईचिंग होती है, काफ़ी बच्चे को तकलीफ होती है, लेकिन इसको खुजलाना नहीं है। बच्चे के नेल्स कट कर देने हैं, क्योंकि अगर बच्चा वहाँ पे खुजलाएगा और वो नेल्स में जो इन्फेक्शन है वो कहीं और फैलाएगा। इसके अलावा बात करते हैं कि जो ये फैलता है, ये कैसे फैलता है, कितने दिन तक फैला सकता है कोई भी इसे, और ये कब कब बच्चा फ्री हो जाएगा कि अब मेरा बच्चा किसी और के कॉन्टैक्ट में जा सकता है, कि अब वो इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा है कोई भी इसे, और ये कब कब बच्चा फ्री हो जाएगा कि अब मेरा बच्चा किसी और के कॉन्टैक्ट में जा सकता है कि अब वो इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। तो बेसिकली जो ये इन्फेक्शन फैलता है, सबसे पहले एयरबॉर्न होता है, हवा में ये वायरस फैलता है। दूसरा ये होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ है, वो दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसके कम चांसेस होते हैं। इसके अलावा एक ट्रांसप्लेसेंटल भी होता है। ट्रांसप्लेसेंटल मीन्स कि अगर कोई गर्भवती महिला है, उसके प्लेसेंटा से बच्चे को भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है इन्फेक्शन। इसके अलावा इन्फेक्शन कब तक होता है? तो अगर दाने आने के, जो रैशेज हैं उसके आने के 2 दिन पहले से लेके रैशेज आने के 5 दिन बाद तक, बच्चा दूसरे को इन्फेक्शन फैलाने के लिए कर सकता है। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस, मतलब बच्चा कब इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा? जब सारे जो रैशेज बच्चे को हुए हैं वो ब्लैक स्कब बन जाएंगे और वो पूरे की तरीके से ठीक हो जाएगा, जिसमें 14-15 दिन लगते हैं, तब आप बच्चे को, जब तक एक एक दाना ठीक नहीं हो जाता, तब तक आपको अपने बच्चे को आइसोलेट करके घर में रखना है, किसी और के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देना है, स्कूल नहीं जाने देना है। इसके अलावा चलिए बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की, कि कैसे डायग्नोस करते हैं। सो बेसिकली जिसके रैशेज देख के, सिम्टम देख के डॉक्टर समझ जाते हैं कि हाँ, ये चिकन पॉक्स है, ये छोटी माता है। लेकिन फिर भी कभी कभी अगर कंफ्यूजन होता है, तो 2 टेस्ट हो सकते हैं। सबसे पहला होता है जैंग स्मियर, एक टेस्ट होता है, जो कि रैशेज से ही एक स्मियर बनाया जाता है और इसकी जाँच करी जाती है। इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स दिखते हैं, जिसको काउडरी बॉडीज भी कहते हैं। उससे डॉक्टर कंफर्म हो जाते हैं कि अच्छा, बच्चे को चिकन पॉक्स है। सेकेंडली,
जो कंफर्म करने के लिए टेस्ट होता है वो होता है पीसीआर। पीसीआर तो आप लोग कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि COVID-19 में पीसीआर काफ़ी फेमस हुआ था, जिसमें वायरस का डीएनए देखा जाता है और कंफर्म किया जाता है कि चिकन पॉक्स का ही वायरस है, जैसे COVID-19 में होता था। इसके बाद हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं बात करूंगी वैक्सीनेशन की, प्रिकॉशन की। तो वैक्सीनेशन जो है बच्चे को चिकन पॉक्स होने के पहले ही लगवाया जाता है। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में अवेलेबल है वैक्सीन इसकी। पहला डोज जो इस वैक्सीन का लगता है वो 12 से लेके 15 महीने के बच्चे में कभी भी आप लगवा सकते हैं, और जो दूसरा डोज इसका लगता है वो 4 से 6 साल के बच्चे में कभी भी आप लोग लगवा सकते हैं। इसके बाद अगर एडल्ट है, कोई बड़ा है, उस अगर उन्हें चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो भी वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, और अगर चिकन पॉक्स हो गया है तो भी पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। मतलब क्योंकि जिनको एक बार चिकन पॉक्स हो गया है, एक तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, दूसरा एक शिंगल्स करके हर्पीज जोस्टर की जो बीमारी होती है वो उस पर सेकेंडरी हो सकती है, तो इसके लिए आप ये वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं एंटीवायरल ड्रग के ट्रीटमेंट की चिकन पॉक्स में। तो बच्चे जो 2 से 12 साल के बीच के होते हैं उनका जो डोज अलग होता है, और बड़े जो होते हैं 13 या 13 साल से ज़्यादा के, उनका डोज अलग होता है। तो मोस्ट कॉमन जो ड्रग्स दोनों में यूज़ करी जाती है वो ए साइक्लोविर और वेला साइक्लोविर होती है। बच्चों के डोज की अगर हम बात करते हैं तो ए साइक्लोविर जो होता है या वेला साइक्लोविर होता है, दोनों में 20 mg पर kg पर डोज के हिसाब से कैलकुलेशन करके डॉक्टर आपका दवाई देता है। ए साइक्लोविर मैक्सिमम 800 mg एक दिन में 4 बार दे सकते हैं, और वेला साइक्लोविर मैक्सिमम 1000 mg दिया जाता है दिन में 3 बार। दोनों का ट्रीटमेंट 5 से 7 दिन का रहता है। एडल्ट की अगर हम बात करते हैं तो ए साइक्लोविर का जो डोज होता है बड़े लोगों में वो 800 mg होता है, जो कि दिन में 5 बार दिया जा सकता है, और जो वेला साइक्लोविर का होता है वो 1 ग्राम होता है, और जो कि दिन में 3 बार दिया जा सकता है। एडल्ट में भी मैक्सिमम 5 से 7 दिन का ये ट्रीटमेंट होता है। अगर हम आते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जो कि एड्स का पेशेंट, ट्रांसप्लांटेशन का, और काफ़ी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो इनमें IV एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, और उसका डोज कैलकुलेशन सब डॉक्टर आपके वेट के, आपकी बीमारी के हिसाब से करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।